वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल क्यूंस ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए विंटर में अपने स्किन को ड्राइनेस से आप किस तरीके से बचा सकते हैं उसके लिए एक होम रेमेडीज लेकर आई हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि किसी भी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड विंटर में स्किन हमारी सभी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो जो मैं आज आप लोगों के लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा से भी स्किप नहीं करना और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने स्किन को किस तरीके से ड्राइनेस से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए विंटर में स्किन का ड्राई होना आम बात है क्योंकि हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं या फिर गर्म पानी से सर वगैरह धुलते हैं, इसके वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है। विंटर में सर्द हवाओं की वजह से भी हमारी स्किन ड्राई होती है। तो ड्राइनेस से आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन की जो एक्सेस ड्राइनेस होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इस चीज़ को आप अगर ट्राई करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जो होम रेमेडीज आज मैं लेकर आई हूँ उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच मलाई। आप 1 छोटा चम्मच मलाई ले लीजिए फ्रेंड्स और उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून हनी। बहुत ज़्यादा हनी नहीं लेंगे, बिल्कुल हाफ लेंगे ज़रा सा। और फ्रेंड्स आप मलाई जो है हमारी स्किन को बहुत काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करती है, ड्राइनेस को ख़त्म करती है, आपके पोर्स को ख़त्म करती है। अगर पोर्स आपके ओपन है तो उसको भी ये ख़त्म करती है। देखिए मैंने हनी ली हूँ, बहुत ज़रा सा हनी ली हूँ। अब फ्रेंड मैं इसको क्या करूँगी कि एक पैक बनाऊँगी अच्छे से और हनी और मलाई काफ़ी अच्छे से आपको मिक्स करना है और देन उसके बाद आपको पैक अच्छे से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं पैक अच्छे से बना ली हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगी, मैं ब्रश की मदद से अपने पूरे स्किन पे अप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स इस होम रेमेडीज को अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से इसे नाइट में यूज करिए, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इसे अगर हो सके तो प्लीज़ नाइट में यूज करिए और इस रेमेडीज को आप डेली अपने फेस पर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मलाई सूट करता है तो। इस तरीके से आप पूरे फेस पे लगा लेंगे पैक को। फ्रेंड्स जिनको हनी नहीं सूट करता है वो डायरेक्ट मलाई भी यूज कर सकते हैं स्किन के ऊपर। ये देखिए ये मैं लगा ली हूँ। अब हमें इसे ओनली 5 मिनट्स तक छोड़ना है, उसके बाद मैं इस पर 5 मिनट्स मसाज करूँगी और मसाज करने के बाद फिर इस पर फेस पैक को मैं रिमूव करूँगी। फ्रेंड्स अगर आप हो सके अगर जैसे आपको अगर हनी नहीं सूट करता है आप ओनली मलाई यूज कर रहे हैं तो आपको इसे वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल गीले टिश्यू की मदद से आप इसे वाइप्स कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, उसके बाद देन आप सो सकते हैं, उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी मॉइस्चर रहती है। तो फ्रेंड्स मेरा 5 मिनट्स हो चुका है, अब मैं इसे हल्के से हाथों से मसाज करूँगी तो जो भी मेरे बाउल में मलाई बची हुई है वो मैं अपने टिप्स पर ले लूँगी और उसके बाद मैं इस तरीके से 5 मिनट्स तक मसाज करूँगी ओनली। और फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन एक्सेस में ड्राई हो रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डेली फेस वॉश ना किया करें, 3 डेज पे गैप पर फेस वॉश करें क्योंकि डेली फेस वॉश करने से भी विंटर में हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है।
तो डेली फेस वॉश ना करके किसी भी क्लींजर से अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और देन 3 दिन बाद आप फेस वॉश यूज करिए, जिससे आपकी स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज करने से भी हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए देखिए स्किन काफ़ी चिकनी सी हो गई है। अब मैं इसे गीले टिश्यू की मदद से रिमूव कर लूँगी, जो कि मैंने इसमें हनी डाला था, तो मैं इसे फेस को वॉश भी करूँगी। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चर हो जाती है और मॉइस्चर होने के बाद जो मलाई में जितने भी आपकी ऑयल होती है वो आपका स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती है। और इस पैक को फ्रेंड्स इसमें कोई भी चीज़ें वैसी नहीं यूज है जो स्किन के लिए आपके हार्मफुल हैं, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को पिंपल है उसमें वो लोग हल्की सी इसमें टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इससे क्या होता है फ्रेंड्स की स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है और हमारा स्किन काफ़ी अच्छा मॉइस्चर होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।